अंडमान के आपदा प्रबंधन विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीपों में सुनामी के बाद भूकंप पर एक मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। ये मॉक अभ्यास बिना किसी चेतावनी के औचक जी आयोजित किया गया, ताकि जाना जा सके कि सच में आपदा के वक्त विभिन्न विभाग कितने तैयार हैं और उनमें तालमेल कैसा है। इस दौरान आज हितधारकों के तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र लाइन विभागों और एजेंसियों के नोडल अधिकारियों टास्क फोर्स के तैयारियों का आकलन किया गया। आज 26 अप्रैल 2019 को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रशासन की सहमति के अनुरूप हमने एक अनअलर्टेड मॉक एक्सरसाइज यानी बिना पूर्व चेतावनी के एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया है। इस बिना चेतावनी के मॉक एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम डिवाइस किया हुआ है, नोटिफाई किया हुआ है, जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम बनी हुई है, नोटिफाई की हुई है, उनका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म और रिस्पॉन्स टाइम क्या रहता है, और उसके बाद फील्ड में जो गतिविधियां करनी है इवैक्यूएशन की, ये कैसा रहता है। आज के इस मॉक एक्सरसाइज में जो सिमुलेटेड सिनेरियो है वो है अर्थक्वेक फॉलोड बाय पॉसिबिलिटी ऑफ सुनामी। और इसमें एक प्रमुख चीज़ और देखना है कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का की जो सुविधा है वो कितना सक्षम रूप से काम करती है, और इस पूरे एक्सरसाइज के बाद हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे कि हमारे हमें कहाँ कहाँ दिक्कतें सामने आई और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये पहला बुलेटिन हमने 7:31 में आज सुबह जारी किया और ये 12:30 तक ये पूरी गतिविधि चलेगी। मैदान में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और इवैक्यूएशन का प्रोसेस भी जारी है। हम सिर्फ SMS बस नहीं बल्कि उसके साथ साथ VHF नेटवर्क और हॉटलाइन से भी कम्युनिकेशन को इंश्योर कर रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों में आज तीनों जिले में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आज सुनामी के बाद भूकंप पर एक मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। इस संबंध में दर्शक टीवी ने दक्षिण अंडमान के उपायुक्त उदित प्रकाश राय से बातचीत की और जानना चाहा कि इस औचक मॉक अभ्यास के क्या नतीजे रहे। उदित प्रकाश राय इस पूरे मॉक अभ्यास में सभी विभागों की तत्परता की सराहना की और कहा कि औचक होने के बावजूद भी इस मॉक अभ्यास के नतीजे अच्छे रहे। सभी अधिकारी निर्धारित जगहों पर पाए गए और विभागों के बीच तालमेल भी अच्छा रहा। आज डिजास्टर मैनेजमेंट के सुपरविजन में तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल कराया गया था। इसमें तीनों डिस्ट्रिक्ट के वल्नरेबल जो पॉइंट्स थे, जो एरियाज थे, उन पर एक औचक तरीके से, एक सरप्राइज तरीके से ये डिक्लेयर किया गया कि अगर कोई कैलेमिटी आ जाती है तो गवर्नमेंट मशीनरी का डिजास्टर प्रिपेयरनेस कितनी है और साथ साथ जनता में कितनी जागरूकता है कि अगर कोई ऐसी कैलेमिटी आती है तो हमारा रिस्पांस कैसा रहेगा। हर जगह पे ये एक्सरसाइज आज की गई है। इस एक्सरसाइज में हमें देखने को मिला कि जो हमारी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है जिसके हम बार बार मॉक ड्रिल कराते हैं तो उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। हमारे जो इंसिडेंट कमांडर्स, हमारे तहसीलदार और SDM थे, उन्होंने तुरंत इसको रिस्पॉन्ड किया जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आई। जितने डिप्टी कमिश्नर्स थे वो तुरंत EOC आ गए थे और SDM तुरंत साइट्स पे चले गए थे। इन साइट्स पे जाने के बाद जनता को ये बताया गया कि ऐसी एक इन्फॉर्मेशन आई है जिससे कि सुनामी वार्निंग है या अर्थक्वेक की वार्निंग है, और तुरंत उनको इवैक्यूएट करके एक रेफ्यूज सेंटर में या रेस्क्यू शेल्टर में ले जाया गया। रेस्क्यू शेल्टर में भी हमने उनके रहने की और खाने की व्यवस्था कर रखी थी और उनको उनको वहाँ पे आराम से रखा गया। तो ओवरऑल इस एक्सरसाइज करने से काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। कुछ दिक्कतें हमारे सामने भी आई हैं जिसको हम लोग आगे इसको एड्रेस करेंगे सो दैट और अच्छा रिस्पांस हमें मिले, और इस तरह की एक्सरसाइज हम आगे फ्यूचर में भी करने वाले हैं जिससे कि जनता को भी जागरूकता रहे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है फ्यूचर में तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 मिनीबे पोर्ट ब्लेयर के प्राचार्य और समस्त विद्यालय परिवार की ओर से वार्षिक उत्सव 2019 मंथन के उपलक्ष्य में गुरुवार शाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में मनाया गया। इस अवसर पर सर्जन कप्तान CS मोहंती, कमान अफसर भानोची सेवा,
धनवंतरी अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और डॉक्टर सुनीता शर्मा इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। दिया जलाने के बाद विद्यालय के प्राचार्य ने स्वागत भाषण और वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने सभा को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्रशंसा की, साथ ही बच्चों के अभिभावकों से दरखास्त की कि बच्चों पर ज़बरदस्ती जोर न डालें, जो वो बनना चाहे, जिसमें बच्चों का मन लगे, उन्हें उसी क्षेत्र में प्रेरित करें। इस अवसर पर बच्चों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। आज केंद्रीय विद्यालय का जो एनुअल डे है, मैं इस उत्सव अवसर पर या मुख्यमंत्री पर अपना मुझे मुख्य अतिथि के हिसाब से बुलाने पर मैं धन्यवाद करूँगा अपना प्रिंसिपल साहब को। एट द सेम टाइम आई वुड कंग्रेचुलेट एंड थैंक द ऑर्गेनाइजर फॉर इनवाइटिंग मी। The students, what I could make out from the preparations, have put their efforts. I also wish them all the best for their future career. Thank you. Would you like to say something more? Yes, I am overwhelmed with the welcome they have shown to us. It is really nice to become a special guest for the day, and I wish they continue improving this welcome. I never ever heard, even in my children's school, I didn't receive such welcome, and they have prepared quite well. I'm impressed with that. आज हम अपना वार्षिक उत्सव 2018-19 मनाए जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 पोर्ट ब्लेयर हिंदीप समूह का एक उभरता हुआ ही नहीं बल्कि पिछले 1986 से लेकर अब तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम एक पूरे वर्ष में जो एकेडमिक CCA स्पोर्ट्स और बाकी जितने फील्ड में हम काम करते हैं, हमारे बच्चे जो अचीव करते हैं उसको हम साल में एक बार दिखाते हैं जो एनुअल डे का दिन होता है, और हम आज उसी अचीवमेंट को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिसमें हमने कुल 1550 बच्चों में 530 बच्चे हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पिछले 10 दिनों से हमारी तैयारी चल रही थी। अंडमान निकोबार डिपो में मछुआरा समुदाय के लोगों की हमेशा से शिकायत रहती है कि उन्हें अंडमान निकोबार प्रशासन की तरफ से कोई भी विशेष सुविधा नहीं मिलती। मछुआरे समुदाय के लोगों का कहना है कि भारत के अलग अलग प्रांतों में मछुआरों के लिए विशेष योजनाएं हैं, जिसके तहत मछुआरों की मछली मारने के समय अगर कोई हादसा हो जाता है तो उनके परिवार को सरकार की तरफ से कई लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है। जब इस संबंध में दशक टीवी ने अंडमान के मत्स्य विभाग के निदेशक डॉक्टर उत्पल कुमार सार से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अंडमान में मछुआरों के लिए बीमा योजना उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत मछुआरों की मछली मारने के समय अगर कोई हादसा हो जाता है तो उनके परिवार को बिना कंपनी द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने मछुआरों से आग्रह किया कि जिनको भी इस योजना से जुड़ना है वे मत्स्य विभाग से संपर्क करें। हम लोग बिस्मैन से अभी तक 5 साल OBC सर्टिफिकेट ले पूरा कम्प्लीट दिया, हम लोग LG के पास, सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास, सब पास, DC के पास भी कम्प्लीट, इसके पास भी कुछ अभी तक जवाब नहीं दिया। मच्छी वाला समुद्र में मर जाएगा तो अभी तक 4-5 आदमी मर गया, एक पैसे भी नहीं मिला। मेल लेने में इस लोग का 2-3 लाख सब तो मिलता है, सब MP देते हैं, MLA देते हैं और डिपार्टमेंट तरफ से भी देते हैं, वो पैसे भी नहीं मिलते हम लोग का प्रॉब्लम है। और वो अब जिड्डी में कोलेस्टर नहीं है अभी तक, जिड्डी बना के और 10 साल हुआ बच्ची रखने का, ऐसा हम लोग का डिपार्टमेंट से नहीं मिलते। कुंडलियां हनुमंत महायज्ञ और श्रीमद् भगवत अमृत कथा का आयोजन वैदिक मंत्रों के साथ नेताजी क्लब में 19 अप्रैल को शुरू किया गया था, जिसका समापन शुक्रवार को हुआ। अंडमान निकोबार में ये 6वां महायज्ञ श्री राम नरेश पांडे के सहयोग से किया गया। महायज्ञ और श्रीमद् भगवत अमृत कथा को भाजने के लिए आचार्य श्री हरिओम जी महाराज और संगीत मंडली को मथुरा से बुलाया गया था। 7 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में श्रद्धालु ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।
सुबह के समय हवन और पूर्व संध्या पर भगवत अमृत कथा के साथ भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक मधुर भजन की प्रस्तुति की। आचार्य श्री हरिओम जी महाराज ने पांच कुंडलियां हनुमत महायज्ञ और श्रीमद भगवत अमृत कथा के महत्व को बताया। इस तरह का यज्ञ करने से परिवार सहित समाज और देश में सुख समृद्धि आती है। और सात दिन के इस पाठ के बदले गुरु दक्षिणा स्वरूप उन्होंने सभी से अपने किसी भी एक अविकारों को उन्हें समर्पित करने को कहा और श्रीमद् भगवत अमृत कथा के गुणों को अपने जीवन में समर्पित करने की सलाह दी। अंडमान निकोबार में छठवां महायज्ञ हो रहा है और महायज्ञ का मतलब यही होता है कि विश्व शांति, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की शांति, यहाँ के समस्त लोगों की सद्बुद्धि, ज्ञान और स्थिर माहौल बना रहे, उसके लिए महायज्ञ प्रारंभ किया जाता है। और यह छठवां महायज्ञ है जो पंचकुंडी हनुमत महायज्ञ है, जो सभी लोग इसमें भाग लेकर के इसका पूजन अर्चन करते हैं। सायंकाल वृंदावन से आए हुए स्वामी श्री हरिओम जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्रचार किया जाता है। प्रातःकाल प्रतिदिन समस्त ग्राम अंडमान द्वीप के लोगों श्रीमद् भागवत और हनुमान जी की महायज्ञ करते हैं ताकि यहाँ का माहौल सुख शांति से बना रहे। गीता में भगवान कहते हैं जो दुखों का ही घर हो, ये संसार तो दुखों का घर है, और जो दुखों का ही घर हो वहाँ शांति कैसे आ सकती है? दुखों के साथ में शांति नहीं हो सकती, दुखों के साथ तो परेशानियाँ आ सकती हैं, कष्ट आ सकते हैं, मन को वेदना हो सकती है, लेकिन शांति नहीं हो सकती। और प्रत्येक व्यक्ति शांति की तलाश में है, प्रत्येक व्यक्ति सुख की तलाश में है, और वो सुख भागवत के श्रवण से प्राप्त हो सकता है, वो सुख भागवत के अनुसार चलने पर प्राप्त हो सकता है। यदि उस सुख को पाना है, उस आनंद को पाना है, यदि उस शांति को पाना है, यदि जीवन में हम अपनी मृत्यु को भी महोत्सव बना लें। आज व्यक्ति सबसे ज्यादा मरने से डरता है कि मैं मर ना जाऊं, और अनेक प्रकार के उपाय करता है। यदि थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया तो डॉक्टरों के पास जाकर के हॉस्पिटलों में बहुत पैसा खर्च कर देता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसको मरने से डर लगता है। भागवत यही तो बताती है कि जीवन में मरना भी ऐसा नहीं है कि दुखदायक है, मरना भी सुखदायक है। जैसे हमारे कपड़े पुराने हो गए और वस्त्र पुराने हो गए, उन पुराने वस्त्रों को हम छोड़ना ना चाहें तो वो वस्त्र हमारे शरीर को ही गंदा बनाएंगे, हमारे शरीर को ही जो है अच्छा नहीं। अंडमान से दस्तक टीवी के लिए संजीव कुमार राय की रिपोर्ट। सभी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर बेहतरीन ऑफर और पूरे अंडमान निकोबार द्वीपों में सबसे कम दाम, रॉयल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवरडीन बाजार।